नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत ही स्वागत है। आप लोग को मेरा बहुत बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आज पहले ही बोल दे रही हूँ क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। आज मैं आप लोगों को साबूदाने की खिचड़ी खिलाने वाली हूँ। व्रत में एकदम खिली खिली हुई सी, एकदम एक एक दाने मोतियों जैसे लगेंगे आपको साबूदाने के। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। इधर मैंने 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए थे, उसको मैंने बॉयल करके अच्छे तरीके से कट कर लिया है। आपको मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ, आप जब भी आलू बॉयल करिए, आलू बॉयल करने के बाद उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उससे कि आलू थोड़े सेट हो जाते हैं और आप जब भी उसको फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे वो फ्राई होते हैं, बहुत अच्छे जल्दी से वो मतलब कि रेड रेड से हो जाते हैं, ऐसे वो फटने लगते हैं कढ़ाइया में। तो इधर मैंने ग्रीन चिली ले ली है, ये मैंने 5 to 6 ली है, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और इधर मैंने 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ले लिया है। अगर आप मूँगफली का तेल खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आप सनफ्लावर ऑयल खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, देसी घी खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इधर मैंने मूँगफली ले ली है, इसको मैंने रोस्ट करने के लिए चढ़ा दिया है, तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें और ग्रीन चिली, जब ग्रीन चिली हो जाए हम लोग अपने पोटैटोज इसमें ऐड करेंगे और इसको एक अच्छा सा स्टर दे देंगे। गैस को मीडियम रखिएगा। अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं करती हूँ, मैं हम लोग इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी मैंने कोई भी नमक नहीं डाला है, बस इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए और गैस को एकदम लो कर दीजिए। ये देखिए गैस, मैंने साबूदाना को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप साबूदाना भिगोएं उसको अच्छे तरीके से धुल लें, और धुलने के बाद उसमें जितना आपका साबूदाना है उससे 1 इंच पानी ही रखिएगा, वरना साबूदाना ज़्यादा भीग जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरा साबूदाना भीग गया है, इससे क्या होता है कि आपकी खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनेगी। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, मैंने उसको ओपन करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग नीचे से चला देंगे, एकदम नीचे से चलाइएगा ताकि इसकी जो इससे पपड़ी जमी है वो नहीं हटे। इस तरीके से देखिए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं टिप्स से इसको बनाती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए एकदम से अलग अलग हो गए हैं साबूदाने। अभी मैं क्या करूँगी इसमें कि मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप रिफाइंड खाते हैं तो वो, या तो आप अगर देसी घी डालते हैं, जो भी आप खाते हो ऑयल व्रत में, आप थोड़ा सा उसको डालेंगे और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, और हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैं अभी इसमें मिला रही हूँ ये देखिए, ताकि ये एकदम से खिली खिली। यही कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो जिससे कि आपकी साबूदाने की खिचड़ी कभी नहीं चिपकेगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मिला लेंगे। गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने आलू बना ही लिए हैं, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़े से करी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि मैंने आलू में भी हम लोगों ने हरी मिर्च डाली है। जब ये अच्छे से हो जाए तब हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट किया है। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से कुक हो गया है, अब हम लोग इसमें जो हमारे साबूदाने थे वो ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से हम लोग
गैस को एकदम लो रखिएगा। अब हम लोग इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे। और जो हमने आलू बनाए थे वो ऐड कर देंगे। अगर आप मूंगफली का तेल खाते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि आलू में नमक है, साबूदाने में भी मैंने थोड़ा नमक डाला था जब हम लोग उसको अच्छे से चला देंगे। 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि जो हमारा साबूदाना है वो अच्छे तरीके से और सारे जो स्पाइसेस हम लोग डाले हैं वो अच्छे से ऐड हो जाए। हम लोग इसमें मैंने इसमें जीरा और जो हमने रेड रोस्टेड मसाला बनाया था थोड़ा सा वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, गैस ऑफ कर दीजिए और इसको एक बार अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा धनिया का पत्ता इसमें दे दिया है, बस इसके बाद अच्छे से चला दीजिए। बस आपकी साबूदाने की बिना चिपकी और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी एकदम से रेडी है। देखिए गाइस साबूदाने की खिचड़ी एकदम से रेडी है, खिली खिली हुई सी। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगे हैं आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइज़।